तो बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे क्योंकि फेमस लोग है भाई। और ये रही हमारी अपकमिंग सिंगर। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। और गाइस जब भी मैं और ये मिलते हैं तो हमेशा हम लोग कहते हैं चाउमिन, बटर चाउमिन, पनीर चाउमिन, चिकन नूडल, सिंगापुर नूडल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ, अभी शाम के 3:30 हो गए। तो गाइज आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, तो आपको भी मिलाती हूँ अपनी फ्रेंड से। और मैं भी आज बहुत लंबे टाइम बाद मिल रही हूँ उससे, तो अभी चलते हैं। तो गाइज रेडी तो मैं हो गई हूँ, अभी चलते हैं पहले उसके घर और चलते हैं। तो गाइज अभी चलती हूँ और सीधे आपसे मिलती हूँ मैं उसी के घर पे। तो गाइज मैं पहुँच गई हूँ मैडम जी के घर पे। हेलो। तो इसका नाम है प्रिया और वैसे इसका फुल नेम है प्रियंका भट्ट, और ये ना बहुत मस्त गाना गाती है, तो अभी आपको भी सुनाती हूँ इसका गाना। तो इसका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है प्रियंका भट्ट, तो बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे क्योंकि फेमस लोग है भाई। तो इसका गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारी बातें करेंगे। मिलके भी हम ना मिले, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको इसका गाना कैसा लगा। वैसे तो मस्त गाती है, और इसके चैनल का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, और भी आपको इसके गाने बहुत सारे सुनने को मिल जाएंगे इसके चैनल पे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए कैंटेरिया, तो आपको भी दिखाते हैं। फिलहाल तो हम लोग हैं यहाँ पे धारनौला में, तो चलो। हमको मिली घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर हसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, वार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे। ऐ मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों
मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावाती है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत में, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आंटी कुछ कह रही है प्रिया, अभी ना 6 बज गया और हम लोग यहाँ कैंटेरिया में ही हैं, और मैं ना ब्लॉग बनाना भूल गई थी, मतलब आज हम लोग इतने लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं कि हमारी इतनी सारी गप्पे हो गई थी कि हम लोग वीडियो बनाना ही भूल गए थे, मतलब हम सोच रहे थे आगे से बनाएंगे, तो गप्पे मारते मारते हम लोग पहुँच गए यहाँ कैंटेरिया। तो अभी तो हम लोग बहुत दूर आ गए थे, लेकिन अब जा रहे हैं हम कैंटेरिया साइड को। तो आज हम लोग ना काफ़ी टाइम बाद मिले, मतलब ये छुपने की कोशिश तो कितने टाइम बाद मिले हम, याद है आपको कुछ? बहुत टाइम हो गया, मतलब अभी हम लोग ना 6-7 महीने से मिले नहीं थे, तो इसलिए बहुत सारी गप्पे मारनी थी, तो जो कि हमने मान लिए थोड़ी बहुत गप्पे हैं। तो अभी हम लोग पहुँच ही गए हैं कैंटेरिया, तो आपको भी दिखाती हूँ मैं पूरा कैंटेरिया। और यहाँ को ना बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, तो और गाइस जब भी मैं और ये मिलते हैं तो हमेशा हम लोग कैंटेरिया ही आते हैं, और हम लोग यहाँ पर तक आते हैं। तो यहाँ पे ना एक चेयर टाइप की होती थी बैठने के लिए, जो कि आज नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे खड़े होके दिखाते हैं यहाँ का व्यू। यहाँ से बहुत मस्त व्यू दिखता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और ये रही हमारी अपकमिंग सिंगर तो गाइस अभी हम जब जा रहे थे ना उधर को घूमने के लिए, तो हम जब कैंटेरिया वाली रोड से ऊपर को गए, तो कुछ आंटी जी लोग हमको मिल गए थे, तो हम लोग भी उन्हीं के साथ पीछे पीछे चले गए। तो फिर जहाँ पे वो लोग बैठे हम भी वहीं पे बैठ गए, तो वो पूछ रहे थे कि आप लोग क्या करते हो ये वो सो करके। तो आंटी जी पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ से हो और क्या करते हो ये वो करके, तो हमने बताया कि हमारी मैडम जो है वो सिंगर है। तो आंटी जी लोगों ने बोला कि गाना सुना दो करके, तो आंटी जी लोग को भी प्रिया ने गाना सुनाया, और मैंने वीडियो भी बनाई थी तो आपने भी देख लिया होगा। तो मस्त, एकदम मस्त गाना गाया था लड़की ने हमारी तो गाइस ये है कैंटेरिया का व्यू, जो कि बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। अल्मोड़ा में एक कैंटेरिया ही ऐसी जगह है जहाँ पे आप घूमने आ सकते हो, और जो हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है।
पापड़ चाट, दही बड़ा, आलू चाट, लच्छा टोकरी, राज कचौरी, वेज चाउमिन, बटर चाउमिन, पनीर चाउमिन, चिकन नूडल्स, सिंगापुर नूडल्स, वेज मोमो, पनीर मोमो, पनीर फ्राइड मोमो भी, पनीर वेज मोमो, वेज कुका, चिली पनीर ग्रेवी, चिली पनीर ड्राई, चिली पटेटो, हनी चिली पटेटो, फ्रेंच फ्राइज, वेज फ्राइड राइस, मंचूरियन ग्रेवी, मंचूरियन ड्राई। तो इतनी सारी चीज़ें बता दी है इसने। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं सुमंगलम में और अब हम कुछ खाने हैं। अभी प्लेट हमने खा ली है गोलगप्पे की और अब हमने मंगाए हैं तो गाइस आ गया हमारा थप्पा, खा चुका है, उसके बाद फिर चलते हैं क्योंकि 7 बज गए हैं। तो गाइज आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड और होप करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।